हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। था नाम न्याय प्रिय और धर्म के पालक, करते थे शुभ काम। यूनस्व की धर्म पत्नी जिन्हें कहते हैं गौरी, ना कोई संतान हुई मायूस हुई थोड़ी। यूनस्व ने पुत्रेष्ठि यज्ञ कब करवाया था, महलों में प्रसाद और जल तब भिजवाया। जल को पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कारण किंतु उसे पिया। यूनस्व के गर्भ में फिर तो पलने लगी संतान, करते भी क्या वो तो शायद विधि का यही विधान। लाज के मारे यूनस्व ना किसी से कुछ भी कहे, मध्यांत नाम के पुत्र गर्भ में है 100 वर्ष रहे। ऋषि मुनियों को कष्ट बताया, ऋषि मुनियों ने पेट फाड़ के उसका जन्म कराया। मध्यांत नाम भी उसका तो ऋषि मुनि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। बड़े होकर मध्यांत हुए हैं प्राकर्मी बलशाली, धरती उसने तो दैत्यों से कर दी खाली। बड़े बड़े प्राकर्मियों को उसने युद्ध में है हराया, अपना शासन सारी धरती पर है उसने जमाया। हुए बड़े शिव भक्त है राजन, शिव का नाम जपे, इसीलिए तो शायद उनसे ना कोई जीत सके। स्वर्ग पे फिर मध्यांत तो करना चाहते हैं, तप करने को शिव का वह तो बैठ ही जाते हैं। शिव की माया शिव जाने कोई जान न पाते।
आते हैं, शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भ्रम, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भ्रम। मध्यांत ने जहां जिला जाता कहलाया है, मध्यांत ने शिव शंकर से मांग लिया था ये वरदान, सदा सदा के लिए ही भोले बन जाए तेरा स्थान। क्योंकि मंदाता ने की थी सच्चे मन से भक्ति, मान ली है शिव शंभु ने अपने भक्तों की विनती, वेदों और पुराणों में भी दो भागों में अब ये भी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भ्रम, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया। विंध्याचल पर्वत तो था बड़ा सुखी और संपन्न, एक दिन बैठ के सोच रहा था अपने मन ही मन, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ मुझ जैसा कौन पाए, अपने आप में सोच सोच वो रहा है इतराए। नारायण नारायण करते फिर नारद मुनि आए, चलने नारद मुनि को दिया है शीश झुकाए, विंध्या चलने किया मुनि का आदर और सत्कार, धन्य भाग हुए मेरे जो आप गए हैं पधार। आने का प्रयोजन आपसे जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भ्रम, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भ्रम। चरण करते करते यूं ही आया, आपके भी दर्शन कर लूं ये मेरे मन में आया, कुशल क्षेम भी आपकी हम तो जानना चाहते हैं, विंध्याचल फिर अपने बारे में बतलाते हैं। कोई कमी न मुनिवर मुझको, मैं सर्वगुण संपन्न, की नहीं कमी कोई परिपूर्ण अनधन। इतना सुनकर नारद मुनि ने खींची लंबी सांस, बोले विंध्याचल क्या आपको मुझ पे नहीं विश्वास, कोई कमी दिखती हो तो हम जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चूको आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भ्रम, ये शिव के
दिखती। अभी गमन ना होना चाहिए किंतु खुद पे कभी। पर्वत राज सुमेरु है कहीं तुमसे अधिक ऊंचे, उनके बराबर विंध्या चलना तुम कभी हो सकते। इतना कहकर नारद जी तो गए हैं वापस लौट, विंध्या चल को अपने आप पे हुआ बड़ा अफसोस। भोलेनाथ का करने वो तो बैठ गए हैं ध्यान, पाना चाहते थे उनसे वो मुँह मांगा वरदान। इसीलिए भोले की भक्ति में लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये शिव के ज्योतिर्लिंग, कर मोह माया को भंग। ये शिव के ज्योतिर्लिंग, कर मोह माया को भंग। विंध्याचल तो बैठ गए हैं अपना ध्यान लगाए, छह महीने तप की है और तप है भोले आए। कहने लगे हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए, विंध्याचल तुम मांग लो वर जो भी तुमको चाहिए। बोले विंध्याचल भोले से धन्य मेरे है भाग, याद किया था मैंने तो खुद चल कर आए यार। ऐसा दे दो वर मुझको जो चाहूं मैं पाऊं, लेकिन अहंकार में अपने कभी नहीं आऊं। तथा तो कह के भोलेनाथ तो हाथ उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये शिव के ज्योतिर्लिंग, कर मोह माया को भंग। ये शिव के ज्योतिर्लिंग, कर मोह माया को भंग। में ऋषि मुनि कुछ वहां पे आए थे, उन्होंने भी भोले के दर्शन पाना चाहे थे। कहने लगे वो भोले से हमको भी दो वरदान, ओंकारेश्वर रूप में भोले यहाँ विराजमान। ऋषि मुनियों की कर दी पूरी भोले ने शिवलिंग तो तभी विभक्त हुआ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ा पावन धाम कहाए, दर्शन मात्र से होते हैं पूरी सब इच्छाएं। मनचाहा वर भोले भक्तों को दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये शिव के ज्योतिर्लिंग, कर मोह माया को भंग। ये शिव के ज्योतिर्लिंग, कर मोह माया को भंग। नर्मदा नदी के पावन तट ओंकारेश्वर धाम, भोले के भक्तों के होते सारे
दर्शन आकर यूं राजेश ठकुरा, भोलेनाथ का दीवाना है ये तो डीएस पार। फौजी सुरेश की इतनी सी बस इच्छा है भोले, भक्ति पथ से मन मेरा ना इधर उधर डोले। आप ही नैया सब भक्तों की पार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव को आना ही पड़ता जब भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते।